क्या पी चिदंबरम ने साजिश के तहत अमित शाह को जेल भेजा था? क्या गांधी परिवार मोदी शाह को जिंदा नहीं देखना चाहते थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि योग गुरु रामदेव ने गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी खलबली मचा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चिदंबरम के बाद जेल जाने का नंबर अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का है। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने गांधी परिवार को लेकर दावा किया है। रामदेव ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिंदा रहे। बकौल रामदेव, पी चिदंबरम ने साजिश के तहत अमित शाह को जेल भिजवाया था। रामदेव ने कहा कि पी चिदंबरम पीएम मोदी को फांसी लगवाना चाहते थे। एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए योग गुरु ने कहा कि जेल काट रहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने साजिश करा के अमित शाह को जेल में डलवाया था और मोदी को फांसी लगाना चाहते थे। रामदेव के मुताबिक गांधी परिवार चाहता था कि अमित शाह जेल में ही खत्म हो जाए। वहीं पीएम मोदी की सराहना करते हुए रामदेव ने कहा कि पीएम मोदी कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। चिदंबरम को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि चिदंबरम पूर्व में कानून मंत्री ही रह चुके हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें खुद कानूनी कार्रवाई में फंसना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जमकर कानून से खिलवाड़ की। उन्होंने कहा कि देश का कानून तोड़ना और भगवान का कानून तोड़ना दोनों ही गलत है। अगर देश का कानून तोड़ोगे तो चिदंबरम जैसा हाल हो जाएगा। रामदेव ने कहा कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अमित शाह को जेल भेजने वाले चिदंबरम आज खुद अपने ही किए में फंसे हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रामदेव ने गांधी परिवार पर हमला बोला हो, लेकिन इतने बड़े गंभीर आरोप उन्होंने कभी नहीं लगाए। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बदले सियासी माहौल में गांधी परिवार को लेकर उनके सुर में थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन मोदी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर से उन्होंने अपने तोप का मुंह गांधी परिवार की ओर खोल दिया है। अब रामदेव के आरोपों में कितना दम है ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन उनके इस बयान पर आने वाले दिनों में सियासी बवाल मचना करीब करीब तय है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।